कुसुमाग्रज के शैली के अनुसार यह कविताएं लिखी गई है। दिस पोएम्स ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। दिस पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर कुसुमाग्रज। 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 देखिए दिस पोएम्स सब्जेक्ट है के लिए हैव, गई के लिए बिन, लिखी के लिए रिटन, शैली के अनुसार के लिए आफ्टर और कुसुमाग्रज के लिए कुसुमाग्रज। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ओ सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वेयर और आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सी वॉज आस्किंग इस बारे में के लिए आफ्टर और तुम्हारे के लिए यू। सी इज आस्किंग आफ्टर यू। सी वॉज 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 आस्किंग आफ्टर यू। उसके दादा के नाम से उसका नाम रखा गया है। He has been named, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। He has been named after his grandfather. 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 देखिए he has been named प्रीपोजिशन नाम से के लिए, आफ्टर उसके दादा के लिए, हिज ग्रैंड फादर। ही हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंड फादर। अब ये वीडियो पॉज कीजिए और आपकी कोशिश कीजिए। इसके निचले हिस्से पर अगेंस्ट के तीन सेंटेंसेस हैं, उन्हें भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं। अगेंस्ट यानी बिना और खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब बिना नहीं तो खिलाफ, ऐसा होता है। देखिए अगेंस्ट बिना नहीं तो खिलाफ, इसके तीन सेंटेंसेस हैं, उन्हें हम अंग्रेजी में बनाते हैं। वो आज्ञा के खिलाफ काम कर रहा है। ही ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एक्टिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स। ही 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 इज एक्टिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स। इसके खिलाफ के लिए अगेंस्ट। ही इज एक्टिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स। ही इज एक्टिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना नियम के खिलाफ है। डमी सब्जेक्ट है इट, है के लिए इज, खिलाफ के लिए अगेंस्ट। इट इज अगेंस्ट लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस। It is against law to drive without license. देखिए it is against खिलाफ, law to drive without license। हमें दहशतवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। We लड़ना ही चाहिए, चाहिए के लिए must fight against terrorism. We must fight against terrorism. देखिए we must fight against terrorism। हमारी जो किताब है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, ये 448 पन्नों वाली किताब है। इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें भी जानकारी दीजिए कि वे भी हमारे वीडियोस देखते रहे, वे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।